हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं आरटीई एक्ट से रिलेटेड। कल मैंने आरटीई एक्ट की एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर डिटेल तरीके से मैंने पूरा का पूरा राइट टू एजुकेशन एक्ट डिस्कस किया। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो वो वीडियो अगर आपने देखी है तो ये वीडियो एक प्रैक्टिस की वीडियो होगी। यहाँ पर हम 30 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तक आरटीई के अंदर पूछे गए हैं। तो सारे के सारे प्रश्न ज़रूर आप सब लोग इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बहुत कहीं ना कहीं इससे हेल्प होगी, ठीक है। और अगर जिसने भी वो वाली वीडियो आरटीई की नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वो वीडियो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सभी का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। और हम अब अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 30 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न को समझेंगे, एक एक तरीके से जानेंगे और अपने मार्क्स आप लोग जरूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर यहाँ पर अब कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। ध्यान से आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आरटी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। आरटी एक्ट जो था उसे भारत में लागू कब किया गया था। सबसे बेसिक प्रश्न ऐसा यही पूछा जाता है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। 1 अप्रैल 2009, 1 मई 2010, 1 अप्रैल 2008 या फिर 1 अप्रैल 2010। तो लागू जो इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे पूरे भारत में वो 1 अप्रैल 2010 से किया गया था। केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में जो है ये 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट को क्या किया गया था, पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा कि कई बार 2009 भी आ जाता है, तो याद रखना कि 2009 में आरटी जो था उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, फिर वो लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, इसके बाद गजट में प्रकाशन हुआ था उसका, गजट में प्रकाशित हुआ सरकार के। लेकिन जब आपसे लागू पूछेगा इफेक्ट में कब आया था तो ये 1 अप्रैल 2010 को इफेक्ट में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति साप्ताहिक कितने निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है न्यूनतम जो है वर्किंग आवर्स पर वीक आपसे पूछा गया है टीचर के लिए, जिसमें से पठन पाठन और तैयारी को निर्धारित किया गया है, ठीक है। आरटी एक्ट में कहा गया कि टीचर जो है वो पठन पाठन और तैयारी जो करेगा वो साप्ताहिक में कितने घंटे करेगा। मतलब कि क्या कहा गया, साप्ताहिक कहा गया है, साप्ताहिक वो कितने घंटे करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे करेगा, ठीक है। कितने, 45 आवर्स यहाँ पर टीचर को दिया गया है सप्ताह में घंटे, जिसमें वो पठन पाठन करेगा और अपनी तैयारी करेगा, ठीक है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। यानी कि क्या ड्यूटी है जिसे टीचर को करना ही करना है। फर्स्ट है कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपलब्ध होना, पाठ्यक्रम का संचालन को पूरा करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, या फिर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तो रीट 2011 का पूछा गया प्रश्न है, आंसर बनेगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। टीचर की जिम्मेदारियों में ये सारी चीजें बोली गई है कि भाई नियमित रूप से आप विद्यालय आएंगे। एक बात और इसमें कही गई कि बच्चों के आने से 1 घंटे पहले और बच्चों की जो अवकाश है उसके 1 घंटे बाद तक टीचर स्कूल में रहेगा। इसके अलावा टीचर को अपने पाठ्यक्रम पूरा करना है, पीटीएम्स कंडक्ट कराना है, बच्चों के गैप को, बच्चों की लर्निंग गैप को दूर करना है। ये सारी चीजें जो है आरटी के अंदर बोला गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। कौन सा है जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, नॉट वाला आपको बताना है। फर्स्ट है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतू बालकों को प्रवेश सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर जो नहीं दिया गया है आरटीई के अंदर ध्यान, वो दिया गया ऑप्शन नंबर डी को, 14 वर्ष पश्चात की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आरटीई एक्ट के अंदर किया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। इनमें से क्या शिक्षक का काम नहीं है। पहला है
एक निश्चित समय अंतराल में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। तो देखो ये जो बी वाला ऑप्शन है, ये नहीं कहा गया है आरटी के अंदर कि टीचर जो है वो ट्यूशन पढ़ाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो धारा था, धारा 28 में ये कहा गया कि जो टीचर है वो किसी भी प्रकार का ट्यूशन नहीं देगा, कोई भी ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम का सही नाम क्या है। आपसे कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है और ध्यान रखना कि आरटी के फुल फॉर्म में काफी कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन होगा। तो देखो सही आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो आरटीई की फुल फॉर्म मानी जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि आरटी में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात यानी कि जो रेशियो है वो कितना होगा। 200 से ज्यादा अगर बच्चे हैं किसी विद्यालय में तो रेशियो क्या माना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 40 बच्चों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है अगर 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो, ठीक है। 200 अबव है तो 41 का क्या है रेशियो निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटी एक्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को प्रतिदिन बच्चों को कितने घंटे पढ़ाना होगा, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है आपका प्राइमरी लेवल, ठीक है, प्राइमरी की बात कर रहा है कि भाई प्रतिदिन कितने घंटे आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ सही आंसर जो हमारा इन चारों ऑप्शन में से बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 4 घंटे प्राइमरी लेवल पर प्रतिदिन टीचर को पढ़ाना है। और 4.5 घंटे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर अपर प्राइमरी, ठीक है। अपर प्राइमरी मतलब आपका जो 6 to 8 क्लास है वो आपका 4.5 घंटे है प्रतिदिन, और प्राइमरी लेवल 1 to 5 है तो आपका 4 घंटे हो जाएगा एक टीचर को प्रतिदिन बच्चों को क्या करना है पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होगी, यानी कि जो स्कूल है वो कितने किलोमीटर के दायरे में होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो सही उत्तर जो इस प्रश्न का हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, प्राइमरी में कहा गया कि प्राइमरी जो स्कूल है, जो प्राइमरी विद्यालय है, उनका जो उनकी जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगी, जिससे कि बच्चे आसानी से पहुंच सके। और अगर उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 3 किलोमीटर जो है दूरी निर्धारित की गई है आरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा कि इफ अ टीचर इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ आरटी इम्प्लीमेंटेशन ही विल हैव टू पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब कि कितने साल के बाद उसको क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट है वहां पे, ठीक है, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 5 साल के अंदर अंदर बोला गया है कि होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कुल अध्याय और कुल धाराओं की संख्या कितनी है, ठीक है। कुल अध्याय बताने हैं कितने हैं आरटी में और कितनी धाराएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो हमारा बना वो बना ऑप्शन नंबर डी, कुल 7 अध्याय हैं आरटी के अंदर और 7 अध्याय के अंदर टोटल जो धाराएं हैं वो 38 धाराओं में इसकी बात की गई है और 1 जो है वो भाग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था, शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, भारत की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए या फिर निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो मूल उद्देश्य जो आरटी का था वो था छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसका ऑब्जेक्टिव था, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो आप इन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि आरटी अधिनियम 2009 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब आपको ये पांचों के पांचों तो जो तथ्य है इनको पढ़ना है बहुत ध्यान से और सही आंसर को देखना है। फर्स्ट है आरटी 6 से 14 वर्ष तक के
आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो ये ऑप्शन हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है अभी तक। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के घर के नजदीक ही 1 किलोमीटर परिधि की दूरी में उपलब्ध करवाई जाए, तो ये भी हमने पढ़ा कि भाई जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे, तो बी वाला भी सही है। 3 वाला नंबर है कि उच्च प्राथमिक 6 से 8 बच्चों के लिए 3 किलोमीटर का दायरा बोला गया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक लग रही है बात। अनामांकित छात्रों को विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर नहीं बल्कि पिछली कक्षा के उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा, तो ये बात सही नहीं है। और 5th वाली बात है कि कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को आप अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे यानी फेल नहीं करेंगे, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर 1, 2, 3 और 5 जो नंबर वाली बातें हैं वो ठीक लग रही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 5 विल बी राइट, 4 वाला जो है वो गलत है। ठीक है, आप आयु के आधार पर ही बच्चों को प्रवेश करेंगे, आप पास फेल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि आरटी एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में क्या सही है। पहला है कि छात्र शिक्षक अनुपात 1:30, प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 दिन, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे 800 घंटे, या फिर उपरोक्त सभी सब सही है। तो 1 से 5 आपका यानी कि आपका प्राइमरी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे ये तीनों बातें जो है वो बिल्कुल सही है। अनुपात जो है वो 30 बच्चों पे एक टीचर होगा, 200 वर्किंग डेज हैं और 800 घंटे बोला गया है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 में क्या प्रावधान नहीं है, इसमें से कौन सा प्रावधान आरटीई के अंदर नहीं किया गया है। फर्स्ट है कि विद्यालय स्थापित करने का दायित्व समुचित सरकार का होगा, किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आय वाले गरीब वर्ग के बालक के लिए 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी, या फिर पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप से प्रावधान किया जाएगा। तो आरटीई के अंदर जो चीज नहीं कही गई है वो कही गई है ऑप्शन नंबर डी को, पूर्व विद्यालय यानी कि जो आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो होता है, ECC जिसे हम कह सकते हैं, या जो आंगनवाड़ी है या जो प्राइमरी से नीचे है, उसका कोई भी प्रावधान जो है आरटी में नहीं कहा गया है। ठीक है, बाकी के जो ABC ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट के संदर्भ में गलत कथन बताइए। अब आपको यहां बताना है कि जो बात गलत है। ठीक है, ऑप्शन फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि इस अधिनियम के द्वारा बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए जाने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा, यानी कि जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है आप उसको नहीं निकालेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि इस अधिनियम में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय योजना बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है, तो SMC की भी कुछ यहाँ पे मुख्य रोल बताए गए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है कि भाई जो भी SMC है वो योजना वगैरह बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है, इस अधिनियम में एक अनुसूची दी गई है जिसमें विद्यालय संबंधी मान और मानक दिए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों के 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे, ये बात गलत है। ठीक है, तो यह डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। आरटीई एक्ट 2009 के संवैधानिक प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है ध्यान से। पहला है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया है, तो ये बात तो हमें अभी तक ठीक लग रही है कि जो आपका 2002 में 86th अमेंडमेंट किया गया था, जो 86वां संशोधन किया गया था, उसमें क्या किया गया था कि आर्टिकल 21A को जोड़ा गया भाग तीन में शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि इस अधिनियम से पहले निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में की गई थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 45 में इससे पहले था, उसके बाद अनुच्छेद 45 को आर्टिकल 21A में क्या कर दिया गया था, उसमें लोप कर दिया गया या घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ठीक है कि जो 86वां संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें जो 45वां अनुच्छेद था उसको आर्टिकल 21A में शिफ्ट कर दिया गया था और शिक्षा को मूल अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार जो है उसको मूल फंडामेंटल बना दिया गया था, तो सी वाला भी ठीक है। डी वाला देखते हैं कि नवीन अनुच्छेद 45 के द्वारा
6 वर्ष तक की आयु के बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने के लिए उपलब्ध किया गया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जो आर्टिकल, अब हमारा जो आर्टिकल है जो 45 है, वो अब जो ECC वाले बच्चे होते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है, उसको बाल्यकाल की देखरेख के लिए जो है सारे वहां पर प्रोविजंस किए गए हैं आर्टिकल 45 में। तो ये चारों बातें बिल्कुल हमारी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी ही बातें क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, RT अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं। आप अध्यापक से कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाएंगे, यानी कि पढ़ाने के अलावा। पहला है जनगणना, दूसरा है आपदा राहत कार्य, तीसरा है चुनाव संबंधी कार्य, चौथा है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक जो टीचर है वो जनगणना कार्य करता है, वो आपदा राहत कार्य कर सकता है, चुनाव संबंधी कार्य कर सकता है, इसके अलावा वो अन्य कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य को नहीं करेगा, ऐसा कहा गया आरटीई एक्ट के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 19 आता है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में, यानी कि SMC के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस को फटाफट से देखते हैं हम लोग। पहला है, समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। दूसरा है कि 50% सदस्य महिला होंगी। तीसरा है कि समिति का गठन प्रविष्ट बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा, या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालय विकास और शिक्षण कार्य में भाग लेगा। तो कौन सी बात यहाँ सही है, ध्यान से इसको सोचिएगा और सही उत्तर को देखिएगा क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर देखो जो इसका बनेगा वो बनेगा हमारा ए। तो बिल्कुल ठीक है कि 75% बोला गया कि जो माता पिता और जो अभिभावक होंगे वो होंगे, 50% महिलाओं को बोला गया है SMC में सदस्य होंगी। सी वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो डी वाली बात है वो गलत है। जो अध्यक्ष होता है वो पेरेंट्स होते हैं SMC का, तो वो शिक्षण कार्य में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ABC जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 20 आता है कि छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 1-5 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला है कि 60 बालकों पर 2 अध्यापक, 61-90 तक बालकों पर 3 अध्यापक होंगे। तो देखो ए वाली बात बिल्कुल ठीक है, बी वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर 60 बालक है तो 2 टीचर होंगे। ठीक है, 30 और 31 का रेशियो हो जाएगा प्राइमरी लेवल पे। 61-90 है तो 3 टीचर्स होंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद 91-120 है तो 4 टीचर्स होंगे, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। 121-150 होंगे तो 6 अध्यापक, तो ये वाली बात हमारी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला देखते हैं। 200 से अधिक होने पर जो है प्रधानाध्यापक को छोड़ करके 1:40 का अनुपात रहेगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी को छोड़ करके ABCE यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ABCE जो है ये सारे सही हैं, डी वाला जो है नहीं होगा। ठीक है, डी वाला जो है वो नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने इसी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 6-8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि कम से कम प्रति कक्षा 1 टीचर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा का होगा। दूसरा है कि कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा के लिए एक अंशकालिक यानी कि जो पार्ट टाइम टीचर है वो होगा। ए और बी दोनों ठीक है या फिर इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो क्या इसमें आपको सही लग रहा है या क्या आपको लग रहा है, थोड़ा सा इसको सोचिएगा। ठीक है, तो यहाँ 6-8 की बात की गई है आपका अपर प्राइमरी लेवल पे, तो ये दोनों बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6-8 में ये कहा गया कि एक टीचर कम से कम विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का और भाषा का होगा कंपल्सरी, और कला शिक्षा, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है उसका पार्ट टाइम टीचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक का मानक निर्धारित किया गया है, 500 पे, 200, 200 से अधिक या फिर 150 से अधिक, क्या होना चाहिए राइट वन। यानी कि 5 टीचर होगा, 5 टीचर्स प्लस 1 आपका प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर होगा, ऐसा किसमें कहा गया है। ऐसा तब कहा गया है जब
150 से अधिक जो है वो बच्चे हों, किसी विद्यालय में अगर 150 से 200 बच्चे हैं तो वहां पर 5 टीचर पे एक आपका प्रिंसिपल बोला गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटी एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब है। 1 से 5 तक बोला गया, 1 से 8 होता है, 6 से 8 होता है, या 1 से 10 एलिमेंट्री होता है। तो एलिमेंट्री का आपसे सीधा सीधा पूछा गया है, तो एलिमेंट्री का मतलब है यहाँ पर 1 से 8, ठीक है। आरटी के अंदर जो एलिमेंट्री बोला गया वो बोला गया कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बालक है वो एलिमेंट्री के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र और राज्य दोनों का, या फिर शिक्षा आयोग का। सही उत्तर जो इस प्रश्न का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। दोनों सरकार की एक जिम्मेदारी है आरटी को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है, तो यहाँ सी के साथ हम जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि आरटी एक्ट 2009 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ध्यान से इसको पढ़िएगा, ओके। पहला है कि यह अधिनियम पहले राज्यसभा में पारित हुआ और बाद में लोकसभा में। दूसरा है कि आयु के अनुसार प्रवेश से तात्पर्य नामांकित बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश से है। थर्ड है कि इस अधिनियम में प्रावधान है कि छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेते समय किसी प्रकार का स्क्रीनिंग, टेस्ट या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। चौथा है कि इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। तो क्या यहाँ पर होना चाहिए सही उत्तर, कोड ध्यान से पढ़िएगा ये वाले और आंसर आप लोग भी गेस करिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर बना वो बना ऑल, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी सारे के सारे जो हमने अभी जो ऑप्शन डिस्कस किया ये सारे ही क्या है, उचित है, ये सारे ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी बातें हैं इनको आपको ऐसे ही याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आपका यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में, ठीक है, 2 दिसंबर 2002 को 86th अमेंडमेंट हुआ था संविधान के अंदर, जिसमें आर्टिकल 21A में भाग 3 में शिक्षा को मूल अधिकार जो है बना दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। तो यहाँ पर जो धारा है वो आपको बतानी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। धारा 38 में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग आरटी में अपने नियम जो है या कानून जो है वो बना सकती है अगर उनको जरूरत हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो धाराएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 17 किससे संबंधित है, धारा 17 जो है वो दंड और पनिशमेंट से संबंधित है, यानी कि इसी धारा में आप कहा गया कि आप बच्चों को पनिशमेंट नहीं देंगे, धारा 17 में कहा गया। धारा 21 जो है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड है, जहाँ पे कहा गया कि 50% महिलाएं होंगी और 75% अभिभावक होंगे और बाकी बहुत सारी चीजें बोली गई धारा 21 के अंदर SMC। और धारा 28 किसकी बात करता है, प्राइवेट ट्यूशन, जो प्राइवेट ट्यूशन है उस पर रोक लगाता है धारा 28, ठीक है। तो ये सारी धाराएं आपको याद रखनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हमारा इस प्रश्न के लिए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMC जो है इस विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या छात्र। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष माना जाता है वो अभिभावकों को बोला गया है, जो पेरेंट्स हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, 29 क्वेश्चन है, आरटी 2009 की किस धारा में यह बताया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। अभी हमने डिस्कस किया, अभी हम धारा डिस्कस कर रहे थे जहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया कि शारीरिक दंड हम कहां पे नहीं देंगे। तो धारा 17 में कहा गया कि आप किसी भी प्रकार की जो दंड है वो आप जो है नहीं देंगे बच्चों को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का आता है कि आरटी अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। दूसरा, अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। तीसरा, अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। चौथा, कक्षा कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। तो
तो यहाँ पर अध्यापक संबंधी जो प्रोविजंस किए गए थे उसमें डी वाला नहीं किया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि एक टीचर जो है वो कक्षा कक्ष में मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके सो गाइज, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, जिसमें आज आपका पूरा का पूरा आरटीई जो है कवर हो जाएगा। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो थ्योरी की वीडियो आरटी की डिटेल अगर देखी है, और अगर आप ये क्वेश्चन भी साथ के साथ कर लेते हैं, तो फिर आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो यहीं पे कवर हो जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली कर लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगता है आप मुझे फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है? आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल होता है मेरे लिए, ठीक है? तो सजेशन दिया करें, फीडबैक दिया करें, अपने मार्क्स बताएं, और ये भी बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा आज का। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए। ओके सो थैंक यू।